जिलाधिकारी के निर्देशन में बाल विवाह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा जनपद में एक नई पहचान बनाए हुए हैं, हर कार्य में ही विशेष योगदान निभा रही हैं। मतदान जागरूकता रैली हो, रोड सेफ्टी प्रोग्राम हो, ये बाल विवाह रोकथाम रैली हो, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी लोग पुकारते हैं। जनपद में जगह जगह नुक्कड़ नाटक एवं रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम सीडीओ एसडीएम सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक अहम योगदान दिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली एवं बाल विवाह संबंधित नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया और लोगों से अपील की बाल विवाह को रोके और न ही होने दे। जनपद के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तहसील ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे जन साधारण को जागरूक किया गया। मैनपुरी संवाददाता नफीस अली। Bene, dico bene. जल्दी जल्दी कौन जल्दी जी मैम, आपने बुलाया हमें।
ये लोग मान ही रहे हैं, ये बाल विवाह कर रहे हैं। मैंने आपको खूब समझाया, पुलिस कई बार समझाया होगा, बाल विवाह कानून अपराध है। तब से कही थी दैया, मैं तो करमपुर तब से कही थी कि तुमने सही कही थी कि उनकी प्रधान जी की लड़की नहीं जाती, पड़वे चौधरी की जाती, तब ही मान लेते होते तो आज जेल में कैद जाते। हवलदार है ना, सबको ले चलो चलो। आप भी चलिए। आप लोग भी ऐसा ना करें, अपनी बेटियों को 18 वर्ष की उम्र में और बेटे की 21 वर्ष की उम्र में शादी कराएं, अन्यथा आपको ये इसी प्रकार जेल जाना पड़ेगा। आगे से देखो, आप लोग भी अपनी बेटी या फिर लड़के की शादी 18 वर्ष की उम्र में और लड़के की शादी 21 वर्ष की उम्र में करवाएं, अन्यथा आपको जेल जाना होगा। इन्हीं की तरह समझ गए।